तो वेलकम गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने बीएस सेमेस्टर फोर में जीई यानी कि जनरल इलेक्टिव में हिस्ट्री रखा है, ठीक उनका पेपर किस प्रकार पूछा जाएगा, तो आइए देखते हैं। ठीक, बीएस सेमेस्टर फोर में जिन लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा है और जीई का पेपर है यानी कि जनरल इलेक्टिव में हिस्ट्री रखा है, तो उनका किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको हर एग्ज़ाम की तरह इसमें भी 3 घंटे समय दिए जाएंगे। फुल मार्क्स 80 होंगे और 20 मार्क्स जो है आपके कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, आपको मालूम ही है। जिस प्रकार यहाँ पे है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यानी कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स फार एज। आप बोल देंगे यार इतना क्या पड़ता है, डायरेक्ट काम की बात करो ना। चलिए काम की बात करते हैं। यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, ठीक किसी भी 5 प्रश्न के उत्तर। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं और 4 मार्क्स 80 हैं, यानी कि 80 को 5 से भागा देंगे तो 16 आएगा, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन बनाने हैं 16 × 5 = 80। एक प्रश्न का उत्तर हो जाता है आपका 16 मार्क्स, यानी कि 16 नंबर, एक प्रश्न आपका 16 नंबर है। 5 प्रश्न बनाने हैं आपको और टोटल आपके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल आपके 10 में से 5 बनाने हैं। एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, आपको उत्तर 3 पेज में देना है। एक पेज ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3, ठीक यानी कि एक खड़ा पन्ना और एक इसका आधा, तो ये हो गया 3 पेज में आपको उत्तर देना है एक प्रश्न का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम का उल्लेख करें, तो बताना है कि अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध किस प्रकार हुआ था, उनके कारण क्या हुए और उनका रिजल्ट क्या निकला। तो बहुत ही अच्छे तरह से याद होगा बक्सर का युद्ध, ठीक। हैदर अली के जीवन एवं उपलब्धियों की विवेचना करें, तो हैदर अली के बारे में मैंने बहुत सारी कहानियां भी बताई आप लोगों को, उन्हीं के बारे में जीवनी यानी कि उनके जीवन से संबंधित बातों को लिखना है और उनकी उपलब्धियां कौन कौन थी, कौन कौन से चीज़ उन्होंने हासिल किए थे वो बताना है। अगला है कि 1856 तक आंगल अवध संबंधों की विवेचना करें, 1856 तक आंगल अवध जिसे अब उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उनके संबंध किस प्रकार के थे उनकी विवेचना करना है। ये अगर नहीं सकते हैं तो इधर दिया है 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन बनाने हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वारन हेस्टिंग के कार्यों पर प्रकाश डालें, जो वारन हेस्टिंग थे इनके कार्यों पर आपको प्रकाश डालना है। प्रकाश मतलब वो टॉर्च वाला प्रकाश नहीं, आपको लिखना है, ठीक। आगे देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा मैं मार्कर खोल लेता हूँ। अरे भाई मिल जा। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधार का वर्णन करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों का वर्णन करें, ठीक। अगला है हमारा 1813 से 1856 तक भारत में शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालें, तो इस समय शिक्षा क्यों इतने ज़ोर से तेज़ी से बढ़ रही थी वो आपको बताना है, कि ब्रह्म समाज बना, क्या क्या समाज बना, ठीक ना, वो सारी आपको बताना है। अगला है कि 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणाम पर प्रकाश डालें, तो देखिए बहुत ही फेमस मंगल पांडे वाला बात आपको लिखना है, पूरा दिल खोल के लिखना है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू की गई दैध शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए, दैध शासन प्रणाली क्यों असफल रही ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे 9 नंबर आपका क्वेश्चन आता है, और क्या आता है 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, हमारा देश भारत आज़ाद हो रहा था, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी, कि भारत आज़ाद होगा तो क्या क्या शर्तें रखी गई थी उसको आपको बताना है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर प्रकाश डालें, जब भी आप बात प्रकाश डालें पे बोलता है ना, यानी कि इसके विषय में पूरा रच के लिख देना है, एकदम निम्बन जैसा लिख देना है, ठीक। तो ये हो गई हमारे 10 क्वेश्चन, 10 में से आपको केवल 5 के उत्तर देने हैं, यहाँ पे फुल मार्क्स 80 है, यानी कि 80 और 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन हो जाता है 16 मार्क्स का, और एक प्रश्न का उत्तर आपको कितने पेज में देना है, 3 पेज में, मैंने बताया, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे आपको आए या नहीं आए मुझे नहीं मालूम, आपको छोड़ के नहीं आना है, मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, ठीक ना, ऐसा आपके घर वाले बोलते होंगे, आपके घर वालों का सम्मान करें।
और क्या, अब आप बीए कर रहे हैं यानी कि आप खुद फैसला लेने के लायक स्टूडेंट हो गए हैं। अपना खर्चा स्वयं उठाने की कोशिश करें, एग्ज़ाम अच्छे से लिखें। और हाँ, अगर आप बीए कर रहे हैं ना, यानी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आती है, तो आधा घंटा कम से कम समय निकाले पढ़ने के लिए। और नहीं निकालेंगे तो अब तो आपको एग्ज़ाम के टाइम 1 महीने में तैयारी कर ही लेंगे, से तो हो जाती है, लेकिन विचार आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मुझे सर नहीं दोस्त कहा कीजिएगा।